नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से शेयर बाजार में जो है स्टॉक मार्केट फ्रॉड होते हुए दिख रहा है। वो एक नया स्कैम है जो इंस्टीट्यूशनल अकाउंट के नाम पे, ब्लॉक ट्रेडिंग के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हुए दिख रहे हैं। और पिछली वीडियो लगभग 10 दिन पहले हमने बनाया था कि इंस्टीट्यूशनल अकाउंट के नाम पे कैसे धोखाधड़ी हो रहा है, कैसे स्कैम हो रहा है, कैसे लोगों ने 50,000 से लेकर के 15 करोड़ तक के रुपये को गवाए हैं। उस वीडियो को लगभग 3500 लोगों ने देखा और बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर हमने 80,000 रुपीज जो है गवाए हैं, हमने 5 लाख गवाए हैं, हमने 90 लाख गवाए हैं, हमने 5 करोड़ गवाए हैं, अब बताइए ये पैसा कैसे वापस आएगा। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे नए स्कैम इस समय स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेंड हो रहा है और उन स्कैम से आपको कैसे बचने चाहिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले की ही खबर है। एक व्यक्ति जो अपने जो भी कार्य रहे थे उसको करने के बाद रिटायर्ड हुए और उसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के नाम पे कि आपको जो है 9:15 के पहले जो शेयर है वो मैं आपको डिस्काउंट पे खरीदवा दूंगा, उसके बाद जो शेयर है वो आपको हायर प्राइस पे बिकवा दूंगा, आप हमारे साथ अकाउंट खोलिए, ऐसे करके उन्हें फंसाया गया और उन्होंने उस ग्रुप को ज्वाइन करा, उनके इंस्टीट्यूशनल अकाउंट में अपने अकाउंट खुलवाए और उनकी टोटल सेविंग लगभग जो है 15 करोड़ की थी जो उन्होंने पूरे लाइफ में कमाया था। लगभग 14 करोड़ 25-30 लाख उन्होंने ऐड करें, बाद में वो इंस्टीट्यूशनल अकाउंट के अंदर 14 करोड़ 20 लाख बन करके दिख रहे थे, लगभग 25 करोड़। जब उन्होंने विड्रॉल का रिक्वेस्ट डाला तो वो विड्रॉल नहीं हुआ और वो उन्होंने विड्रॉल का इसीलिए रिक्वेस्ट डाला ताकि उनको लगा कि अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेते हैं, कुछ एक दो घर ले लेंगे और बाकी पैसा इसी में छोड़ देंगे। जब उनका वो पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा था उसके बाद वो समझ चुके थे कि उनके साथ फ्रॉड हुआ, उनके साथ स्कैम हुआ, वो साइबर के पास गए, वो लोकल पुलिस स्टेशन में गए। लेकिन आप एक बात इस चीज को समझो, जो स्कैम आपके साथ हो गया, जो पैसे आपके अकाउंट से डेबिट होकर के किसी और के अकाउंट में क्रेडिट हो गए, जो गलतियां आपने ये करी कि किसी इंस्टीट्यूशनल अकाउंट में अकाउंट खोल करके आपने पैसा डाल दिया, वो एक बार आपके पास जाने के बाद दोबारा आना लगभग नामुमकिन के बराबर है। बहुत सारे मैसेजेस अभी भी मुझे आ रहे हैं कि सर मेरे 80,000 जो है वो लॉस्ट हो गए, मेरे 2 लाख लॉस्ट हो गए, सर प्लीज बताएं कैसे आएगा। तो मैं कोई लीगल एडवाइजर तो हूं नहीं, ना ही मैं एडवोकेट हूं कि आपके लिए केस लड़ पाऊं या आपके पैसे आपको रिटर्न दिला पाऊं, ना ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कोई हूं। मैं बस इतना कर सकता हूं कि जो हुआ वो हुआ, आगे आपके साथ नहीं होना चाहिए। मैंने कई बार कहा कि जब भी आप हाईवे पे चलते हैं और हाईवे पे आपको गड्ढा दिखता है तो क्या आप उस गड्ढे को भरने लग जाते हैं या बच करके आगे बढ़ते हैं? ठीक उसी प्रकार हर दूसरा तीसरा बंदा स्कैम का शिकार हो रहा है। अब ये समझिए कि स्टॉक मार्केट में स्कैम होता कैसे है। पहला स्कैम जो इस समय चल रहा है वो इंस्टीट्यूशनल अकाउंट के नाम पे चल रहा है। एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, वहां फ्री के सजेशंस दिए जाएंगे, अच्छे अच्छे ब्लू चिप स्टॉक जैसे बजाज फाइनेंस, उसके बाद डावर, ITC, टाटा मोटर्स, TCS, M&M जैसे स्टॉक आपको सजेस्ट करे जाएंगे, 2-4-5% प्रॉफिट भी बनेगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड किया जाएगा कि देखो ये स्टॉक सजेस्ट भी कर रहा है तो अच्छा कर रहा है। उसके बाद वो आपको फ्री क्लासेस देंगे, फ्री क्लासेस में जो व्यक्ति आपको पढ़ाएगा वो थोड़ा वेल एडुकेटेड होगा, आपको बेसिक्स फंडामेंटल्स और टेक्निकल सिखाएगा, आपको लगेगा वाह ये तो बहुत अच्छा है, ये कोर्सेस तो बाजार में 5 लाख का बिक रहा है, हमको तो फ्री में मिल रहा है। उसके बाद वो आपको कुछ रिवार्ड भी देंगे, उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि हमारा म्यूचुअल फंड लॉन्च होने वाला है, हम आपको 3000% रिटर्न देंगे, हम आपको 10,000% रिटर्न देंगे, आप हमारे साथ अकाउंट खोलो, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट खोलो, हम अमेरिका से हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वो किसी, मान लीजिए कोई कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, अमेरिकन कंपनी है, उसने इंडिया में सेबी लाइसेंस लिया है, तो वो तो अमेरिकन कंपनी है, यहाँ पे ये ABC प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी बना देगा, सेम आपको सेबी नंबर्स दिखा देंगे,
आपको लगेगा अरे नाम तो सही आ रहा है, नाम तो सेम आ रहा है, उसके बाद आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद उसके इंस्टीट्यूशनल अकाउंट में आप अकाउंट खोलेंगे, दो तीन बार विड्रॉल होगा, 20,000, 30,000, 50,000, आपका मान लीजिए 20,000, 30,000 बना, वहां से आपके ग्रीड आए, आपने 5 लाख लोन लेकर के किसी से कर्ज लेकर के डाल दिया कि 5 से 10 बना लूंगा। जब आपने मोटे रकम के पैसे डाले तो वो कर देगा आपके पैसे को फ्रीज और वो आपको कहेगा कि ड्यू टू सम एरर्स आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं, आपको और भी 1 लाख डालने होंगे, आपको और भी 2 लाख डालने होंगे। कोई भी व्यक्ति जिसका इतना बड़ा अमाउंट फंस जाता है उस पैसे को विड्रॉल के लिए छोटे अमाउंट भी डाल देता है, और मैं यही गलती करने से दोहराता हूं कि जब भी आप पैसे ऐसे अकाउंट में डालते हैं काफी छोटे अकाउंट छोटे अमाउंट डाले और हमेशा विड्रॉल करते रहें। बहुत सारे लोगों ने विड्रॉल तो किया ही नहीं, डालते 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 अमाउंट जो वैल्यू है वो लगभग 10 करोड़ कर लिए, और जब वो विड्रॉल के लिए गए तो वो फ्रीज हो गया। तो पहली तो इंस्टीट्यूशनल अकाउंट के नाम पे जो हमने बताया वो होता है, दूसरा होता है ब्लॉक ट्रेडिंग। ब्लॉक ट्रेडिंग में ये कहा जाएगा कि 9 बजे से 9:15 और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3:15 से 3:30 मैं आपको डिस्काउंट पे स्टॉक दिलवाऊंगा, मैं आपको अपर प्राइस पे बिकवाऊंगा। ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं जो सेबी रजिस्टर्ड हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, आपके एक बार पैसे गए मतलब गए। जो भी आपको सीखना, जो भी आपको सजेशंस लेना है वो पूरी दुनिया से लें, लेकिन ट्रेड आप खुद के अकाउंट में खुद के लॉगिन से करें, लॉगिन किसी को शेयर ना करें। वो अकाउंट आपके जीरोधा, एंजल वन, एलाइस ब्लू, जितने भी फायर्स, ICICI डायरेक्ट, HDFC के जो है, ये जो नामचीन नाम है उसी में अकाउंट खोलें। ये ब्लॉक ट्रेडिंग करने से बचे, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग करने से बचे, ये सब जो भी ट्रेडिंग के नाम पे स्कैम हो रहा है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आप हैं, और आप इसीलिए हैं क्योंकि आप ग्रीडी बन रहे हैं। अगेन मैं कहूंगा इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, हर एक व्यक्ति इस वीडियो के लगभग 20 लोगों को शेयर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो ऐसे स्कैम से आप बहुत सारे लोग बच सकते हैं। मैं तो बहुत उन गरीबों के क्वेरी देखा हूं जिनके पैसे ही नहीं है, उन्होंने लोन लेकर के अपने रिलेशन से लेकर के 50,000, 2 लाख, 5 लाख डाला, अब उनके पास खाने को नहीं है, वो गलत कदम उठाने को मजबूर होते जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ऐसे सभी स्कैम से बचें, और कुछ भी ग्रीड बड़ा नहीं करेंगे। ओवरनाइट कोई भी करोड़पति नहीं हुआ है। स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द टफेस्ट प्लेस टू मेक इजी मनी। यहाँ स्लो एंड स्टडी ग्रोथ अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, ओवरनाइट करोड़पति बनने के चक्कर में जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आप गंवाएंगे। उम्मीद करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी की आंखें खुले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा।